हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी पर 5 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने शनिवार को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तंवर ने ट्वीट कर लिखा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद मैंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी लिखा कि उनके इस्तीफे की वजह कांग्रेसी और जनता अच्छी तरह से जानती है। बता दें कि तंवर ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर पुराने लोगों को नजरअंदाज कर नए लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया था। तंवर ने यह भी आरोप लगाया था कि सोहाना विधानसभा का टिकट 5 करोड़ में बेचा गया है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक हमने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया, हरियाणा का नेतृत्व खत्म हो चुका है, हम पार्टी के लिए समर्पित रहे, लेकिन टिकट उन्हें दिया जा रहा है जो पहले कांग्रेस की आलोचना करते थे और हाल ही में पार्टी में शामिल हो गए हैं। न्यूज डेस्क।